होंडा साइन BS6 के ये प्रॉब्लम से बहुत लोग परेशान है, क्योंकि हर एक साइन BS6 में ये वाला प्रॉब्लम आता ही आता है। तो आपके पास भी अगर साइन BS6 है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम उसी यूनिट की बात करने वाले हैं जिसमें इंजन का सारा कंट्रोल रहता है, जिसको बोलते हैं ECM। तो यहीं पे हमारे पास होंडा का जेन्युइन ECM है साइन BS6 का, जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं विद प्राइस के साथ, और उसके बारे में डिटेल से बात भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहीं पे हमारे पास जो ECM है वो जो कि काफी रनिंग मॉडल है, जो कि काफी सारी साइन में ये वाला ECM लगता है। ECM जब खराब हो जाता है तब क्या प्रॉब्लम आता है, उस फुल डिटेल्स के साथ वीडियोस हमारी SG Royal Work YouTube चैनल पे मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी, वहीं से जाके आप देख सकते हो। तो सेंसर और एक्चुएटर का सारा कंट्रोल इसके पास रहता है, यानी कि इसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो यहीं पे प्राइस की बात करें तो यहीं पे आप देख सकते हो 5,789 रुपीज प्राइस है इसका। कुछ होंडा का जेन्युइन है और वन पीस इसमें आता है। तो यहीं से ऊपर की साइड से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो यहीं पे आप देख सकते हो इसी तरह का कुछ पैकिंग में पूरा ECM किट मिल जाता है। यूनिट पैकिंग को रख देते हैं अभी साइड, जो कि देखने को कुछ इसी टाइप से लगता है। BS3 और BS4 बाइक में हमारा CDI यूनिट आता है, CDI TCI, बट BS6 जितनी भी बाइक है उसमें ECM आता है। और ECM में भी दो पार्ट रहते हैं, यहीं पे आप देख सकते हो, एक इस साइड का और ये इस साइड का। यहीं पे ये वाला जो दो सॉकेट है उसमें ACG स्टार्टर, मैग्नेट पावर जितना भी आता है, और ये वाला दो सॉकेट में आता है। और इसमें टोटल 48 पिन रहती है। तो पूरी बाइक का इंजन और एक्चुएटर सेंसर का पूरा जो कंट्रोल रहता है वो इसी एक यूनिट में रहता है पूरा, और इसी टाइप का डिजाइन के साथ साइन BS6 का ECU रहता है, और पार्ट नंबर यहीं पे आप देख सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ECU खराब क्यों होता है, इतना सारा कंट्रोल ये रखता है फिर भी ये खराब क्यों हो जाता है। तो यहीं पे आपको बता दूं, ECU खराब जो है वो ज्यादा, अब इग्निशन स्विच में इनपुट और आउटपुट रहता है, और आउटपुट में से पावर नहीं आना चाहिए, बट आउटपुट में इग्निशन स्विच अगर खराब हो जाएगी तो आउटपुट में नॉर्मली पावर सप्लाई चालू रहेगी, तो उसकी वजह से ECU में पावर आना स्टार्ट रहेगा। तो इसकी वजह से ECU ज्यादातर खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें पूरा ECU को टेस्ट करना पड़ता है। तो इसी टाइप का ECU रहता है, और ये खराब क्यों हो जाता है, और खराब हो जाने के बाद बाइक में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी रहती है, कैसे चेक करना है, वो सारी डिटेल्स में हमारी SG Royal Work YouTube चैनल पे वीडियो काफी टाइम पहले डाल दिया है। वो वीडियो का लिंक यहीं पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, और हमारी SG Royal Work YouTube चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके वो चैनल भी विजिट कर सकते हो। उसमें काफी सारे फिटिंग और रिपेयरिंग के बारे में वीडियोस डालते रहते हैं। बाकी आपकी बाइक में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारी शॉप यहाँ पे सूरत में, अगर आप यहाँ के रहने वाले हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वैसे जाके इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हो और हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल पे ऐसे ही जेन्युइन पार्ट्स के अनबॉक्सिंग और प्राइस के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।